तो बड़ी खबर आपको बताएं, फरीदाबाद में सूटकेस में मानव कंकाल मिलने का एक मामला सामने आया है। बड़ी अपडेट बता रहे हैं आपको हम, सूटकेस में मानव कंकाल मिला है। पुलिस पूरे मामले में अब गहनता से जांच कर रही है। श्रद्धा हत्याकांड से भी जोड़कर इस पूरे विषय को, इस पूरे मामले को देखा जा रहा है। फरीदाबाद पुलिस ने दिल्ली पुलिस से इस बाबत संपर्क किया है और कंकाल की भी पुलिस लगातार अब जांच कर रही है। अरावली के जंगलों में सूटकेस में बंद ये कंकाल मिला है। बैग में हड्डियां ही हड्डियां बरामद हैं और सिर इसमें से गायब बताया जा रहा है। फरीदाबाद में सूटकेस में ये मानव कंकाल मिलने का मामला सामने आया है। ह्यूमन स्केलेटन यहां पर मिला है। ये अपडेट और जानकारियां हम पहुंचा रहे हैं आप तक। श्रद्धा हत्याकांड से जोड़कर भी इस पूरे मामले को देखा जा रहा है, क्योंकि श्रद्धा हत्याकांड के अंदर भी यही चीज देखने को मिली है कि सर की खोजबीन लगातार अब तक जारी है। और ऐसे में अब देखना होगा कि पुलिस जब छानबीन आगे करती है तो क्या कुछ नए सुराग और क्या कुछ नई बातें पुलिस के हाथ लगती हैं। फरीदाबाद में सूटकेस में यह मानव कंकाल मिला है। सूटकेस के पास महिला के कपड़े भी बरामद किए गए हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, महिला के कपड़े बरामद किए गए हैं और स्केलेटन यानी कि कंकाल जो है वो पाया गया है इस सूटकेस में बंद। अब कंकाल है तो जाहिर सी बात है कि वारदात बहुत पुरानी हो चुकी है। अब फॉरेंसिक जांच जब होगी उसके बाद ही पता लग पाएगा कि आखिरकार पूरा मामला है क्या। फरीदाबाद के जंगलों का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। राजेंद्र दहिया हमारे संवाददाता जुड़े हैं फोन लाइन पर। राजेंद्र बताइए विस्तार से पूरी जानकारियां। सर जिस तरीके से कल यहां पर एक जो ट्रॉली बैग है उसमें एक धड़ के हिसाब से यहां पर एक जो है बॉडी मिली थी और उसकी अभी जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस को भी सूचित किया गया है। सरदा हत्याकांड से भी इसको जोड़कर देखा जा रहा है कि हो सकता है उसी बॉडी के पार्ट हो, और इसको लेकर अभी सबको जो है बादशाह खान अस्पताल में मोर्चरी में रखवा दिया गया। 72 घंटे के बाद इसका पैनल से पोस्टमार्टम कराया जाएगा और ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर ये सब है किसका। लाश के पास जो बॉडी के जो पार्ट मिले हैं उसके पास लेडीज के कपड़े भी मिले हैं, तो कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि ये सब हो सकता है किसी महिला का हो, लेकिन अभी इस बात को लेकर कोई भी बयान पुलिस का सामने नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं लगातार जांच जारी है और इसमें दिल्ली पुलिस को भी उन्होंने सूचना दी है। जी पुलिस को कोई शक है और किस दिशा में पुलिस जांच कर रही है? देखिए पुलिस कई एंगलों से जांच कर रही है। हत्या करके किसी ने यहाँ पर सबको फेंका भी हो सकता है और हो सकता है कि श्रद्धा जो हत्याकांड है उससे भी जुड़ा हुआ ये मामला हो सकता है। तो कई एंगलों से पुलिस लगातार इस पे कई क्राइम टीमों का गठन भी किया गया है अलग अलग से, और वो तमाम सीसीटीवी जो फुटेज है उनको भी पुलिस जो है खंगालने में जुटी हुई है। जी केशव चलिए बहुत शुक्रिया राजेंद्र आपका जानकारियों के लिए, आप नजर बनाकर रखिए।